أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الله سبحانه <applause> 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 ولعنة الله على أَعْدَائِهِمْ أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون درود بردجي محمد وعليم. बहुत अजीम महीना हमारे नज़दीक होता जा रहा है और ये बड़ी सदत की बात है कि ये लम्हात हमें नसीब हुए हैं और इन श्रा माह रमज़ान हमें गुजारना नसीब हो खैर आफियत के साथ वाक़े बहुत बड़ी सदत है और इस हवाले से कई सारी रवायात मौजूद हैं और कई सारे बड़े खूबसूरत जुमले रवायात के अंदर आए हैं उनकी तरफ भी तोज् रखने की ज़रूरत है पहली चीज़ ये है कि आयत के अंदर तो ये बयान हुआ है कि बसमिल्हर रहीमिया अमनों को तबाहम कमा को तबाही अमिन क़बल को ऐसा ईबान ईमान तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं उसी तरीक़े से जिस तरह तुम से तुमसे पहले वालों पर फ़र्ज़ किए गए लेकिन एक रिवायत है जिसमें हज़रत इमाम जाफर सदक़लाम इर्शा फरमाते हैं और ये रिवायत शेख सदूक रहमान ने अपनी किताब मला या हज़र उल्फ़ी में लिखी और मला या हज़रलफ़ी के बारे में आप सब जानते हैं कि कुतुब अरबा में उसका शुमार होता है इतनी मोतबर किताब उसमें छठे सरकार ने इस आयत के ज़ेल में ये इर्शा फरमाया कि इन न शहरा रम़ानम यद मिनल कबल बड़ा अजीब जुमला है फरमाया कि रम़ान के रोज़े हम से पहले वाली उम्मतों पर फर्ज नहीं थे कुरान कह रहा है कि फर्ज थे इमाम शाह फरमा रहे हैं कि हमसे पहले वाली उम्मतों पर फर्ज नहीं थे रावी ने अर्ज किया कि ये तो कुरान की आयत है कि या अयोद्दीन अलैकुम खुतबियाम कमा को तबीन मिन को फिर आप कैसे कह रहे हैं कि हमसे पहले वालों पर फ़र्ज नहीं थे फरमाया इमाम ने कि नमा फरद्याम शहर रमदानबिया दूनम रमज़ान के रोजे वाजिब थे लेकिन सिर्फ अम्बिया को यह फजीलत हासिल थी उनकी उम्मत को यह फजीलत नहीं थी गोया इमाम ये कहना चाह रहे हैं और इसकी तफसीर में उलमा कराम ने लिखा है कि ये अम्बिया कराम के रियाजत के पैकेज में से एक पैकेज था जब वो रियाजत और सैर वसलूक के मरल को तय करते थे और इरफान के मरले को दाखिल होते थे तो उनके इरफान के जो मरहल थे उसमें से एक मरहला यह था कि आप रमजान के रोजे रखें इसलिए अंबिया कराम को वह मकाम मरतबा मिला फिर छड़े सरकार ही ने आगे शाह फरमाया बिही उम्मा तो परवरदिगार ने इस उम्मत को यह फजीलत दी है कि माह रमजान के रोजे इनके ऊपर फर्ज किए गए ताकि ये भी उस मकाम तक पहुंच सके वज अलाया महू फर वन अला रसूल व अला उम्मत ही और फ़र्ज किया है रोज़ो को पैगम्बर अक्रम के ऊपर भी और उनकी उम्मत के ऊपर भी यहाँ तक बात लाने के बाद एक वो मशहूर खुतबा जो यकीन आपने कई मरतबा सुना होगा और बहुत से ऐसे होंगे जिनको हिफ्स भी होगा उसके कुछ जुमलों को मैं आपकी खदम बयान करना चाहूँगा कि उस खुतबे में पैगम्बर रकम ने इशा फरमाया कि इस महीने में शैतान को बंद कर दिया जाता है तुम्हारे आमाल को कबूल कर दिया जाता है दुआएं कबूल हो जाती हैं सवाल ये पैदा होता है कि जब शैतान को बंद कर दिया गया है तो फिर ये गुनाह कैसे होते हैं क्यों इंसान इस महीने में भी गुनाहों से नहीं रोकता अलबत् ये ज़रूर है कि जो दीनदार अफराद हैं जो ज़रा सा दीन से करीब हैं और नमाज रोज़ों की पाबंदी करने की कोशिश करते हैं वो महसूस करेंगे कि बाकी महीनों की नस्बत इस महीने में गुनाहों से बचना आसान हो जाता है हराम निगाह से बचना हराम मौसीकी से बचना आसान हो जाता है इस महीने के अंदर और ख़ुद बखुद दिल माइल हो जाता है कुरान करीम की तरफ अहले बैत के ज़िक्र की तरफ और दीनदारी की तरफ ख़ुद बखुद दिल मायल हो जाता है और तबीयत माइल हो जाती है इसके अलावा एक मिसाल है जो चौथे सरकार हज़रत इमाम जैनुल अलाबिदीन सलाम की दुआ के अंदर भी आई है और एक की वर्ड इमाम ने इस्तेमाल किया है सहीफ़ सज्जादिया में दो दुआएं रमज़ान से मुतालिक हैं इस्तबाल माह रमज़ान की दुआ विदाए माह रमज़ान की दुआ और दोनों दुआओं का अब्तः में पढ़ लेना ही अच्छा होता है ताकि इंसान समझ जाए कि मुझे माह रमज़ान कैसे गुजारना है ऐसा ना हो कि विदा माह रमज़ान को बिल्कुल अगर आखिर में रख दिया तो फिर बाद में इमाम ये फरमाएंगे कि यह महीना वो था जो बरकतों का महीना था रहमतों का महीना था और इसको हमने अपने एतबार से बेहतरीन अंदाज से गुजारने की कोशिश की जब हम इस दुआ को पढ़ रहे हैं तो हमारा तो पूरा रमजान गुजर गया और हमने तो कुछ अपने अंदर तब्दीली पैदा नहीं की थी तो बाद में हम हसरत ना खाएं इसलिए पहले ही से पढ़ लेना चाहिए कि इस तरह से इस रमजान को गुजारना है तो दोनों दुआएं दुआ नंबर चवालीस और पैंतालीस ये सैफे सज्जा दिया की दो दुआएं पहली दुआ के अंदर इस्तबाल माह रमजान की दुआ के अंदर इमाम यशा फरमाते हैं कि वल्हमदी जिला मिन तिल का सुबुल शहरा शहरा रमजान परवरदिगार का इस बात पर शुक्र है और हमद है कि उसने अपने तक पहुँचने के लिए कुछ रास्ते जो करार दिए हैं उनमें से एक रास्ता माह रमजान को करार दिया अब वाली बात हमें समझ में आती है कि अंबिया कराम जो परवरदिगार तो पहुंचते थे तो पहुँचने के रास्तों में से एक रास्ता उनके लिए माहिर रमजान का रास्ता था जो रास्ता हमारे लिए भी परवरदिगार ने करार दिया है ये महीना कौन सा महीना है जो रमज़ान का महीना है उसके बारे में फिर मजीद रिफाइन करते हैं चार से पांच नाम है जो मौला सद सज्जाद ने लिए यह शहर रमज़ान वो है जो शहर सियाम व शाहर इस्लाम व शाहरत तमहीस व श हरत ताहूर अलफी कुरान इसके मजीद और चार नाम ये हैं कि यह रोज़ों का महीना है बहुत वाजह सी बात है लेकिन सिर्फ रोज़ों का महीना नहीं है बल्कि कुरान के नाजिल होने का महीना भी है सिर्फ कुरान नाजुल होने का महीना नहीं है बल्कि इसी महीने में शबे कदर भी रखी गई है और सिर्फ शबे कदर भी नहीं है बल्कि इस महीने के अंदर एक खास परवरदिगार का तफजल और फजलो करम शामिल है जिसकी वजह से इस महीने के अंदर सांस लेना भी इबादत का सबाब रखता है पैगम्बर रखम के खुदबे का जुमला यह है कि तस्वी व नो मुकुम्फी है इबादा इस महीने में सांस लेना तस्वी का स्वबाब रखता है और सो जाना इबादत का स्वाब रखता है तो गोया लम्हे लम्हे में हमें सवाब दिया जा रहा है बस हमें पहुंचाया जा रहा है सवाब को। तो पहली बात यह है कि यह सिर्फ रोजों का नहीं है, लेकिन रोजों का महीना भी है अपने जाओ जलाल के साथ नजर आता है दूसरा माना यह किया गया है कि यहां पर इस्लाम का मतलब तस्लीम है झुक जाना के सामने सरेंडर हो जाना यह वो महीना है और फिर दो नाम बड़े खूबसूरत हैं वह योमत तमहीस व योमत वह शहरत तमहिस व शहरत तहूर। और ये पाक पाकिजगी का महीना है और गंदगियों को और आलोदगियों को पाक कर देने का महीना है ये जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इससे हम थोड़ा समझ पाते हैं कि माह रमजान गोया कैसा महीना है अगर हम मिसाल अर्ज करना चाहें तो इस तरह से होगी गोया कि जैसे हर घर के अंदर एक पाकिजगा पाकिजा होने का एक एक जगह होती है जिसको हम हमाम कहते हैं जब इंसान वहां जाता है तो अपनी आलूगियों से साफ हो जाता है पाक साफ होकर वहां से बाहर आता है लेकिन जिस तरह से इंसान हमाम जाता है और पाक साफ होकर बाहर आता है तो उसको कुछ करना पड़ता है तो पाक साफ होकर बाहर आता है सिर्फ दरवाज़ा खोल जाने से और अंदर से बाहर आने से कुछ पाक साफ नहीं होगा बल्कि कुछ करना पड़ेगा कि आलूदगियां ये निकल जाए इसी तरह से माह रमजान में भी कुछ अंजाम देना पड़ेगा तब जाकर जब हम माह रमजान से बाहर आएंगे तो आलूदगी से साफ हो सकेंगे दूसरी बात यह कि जिस तरह से हम या मैं जो मिसाल अर्ज कर रहा हूँ वो खुद लफ्ज से मैंने ये निकाली है और कराम ने बल्कि बयान किया है मैंने क्या इसमें कोई हुनर किया है कराम ने इस बात को बयान किया है माह रमजान पाकिजगी का महीना है तहारत का महीना है आलूदियों को साफ करने का महीना है तो इससे एक और चीज भी समझ में आती है कि जिस तरह से इंसान उस जगह पर जब जाता है तो आलूदियों साफ होकर आता है लेकिन आलूदियों के साफ करने के लिए वही जगह वो है कि जहां पर आलूदगियां भी हैं लेकिन कभी भी इंसान उन आलूदियों के करीब नहीं जाता कोई पागल इंसान होगा कि जो आलोदगीों के करीब चला जा जाएगा वहां पहुंचने के बाद भी लेकिन ऐसे ही दीवाने अफरा माहिर रमजान में भी हमें नजर आते हैं कि माह रमजान का महीना तो पाकिजगी का महीना था लेकिन बाद अफरा ऐसे हैं जो कहेंगे कोई मसला नहीं कोई फिक्र की बात नहीं है हम हर साल खाते थे इस साल भी खा रहे और बल्कि बड़े बड़े गुनाह भी कर रहे हैं इसी माह रमजान में तो ऐसा नहीं है कि माह रमजान की मशीन के अंदर कोई दाखिल हो गया तो हमेशा पाक साफ होकर निकलेगा बल्कि कुछ हमें करना पड़ेगा तब जाकर हम इस महीने से पाक और साफ होकर बाहर आएंगे और यह पाकिजगी का महीना बेहतरीन महीना है जिसमें बड़े मौाक़े दिए गए हैं परवरदिगार की तरफ से कि हतमकान इंसान बहुत तहारत के साथ बाहर निकले लेकिन अब मैं एक इसके अंदर आखिरी बात बयान करके इस को तमाम कर रहा हूँ वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा हमारे मंबरों से बयान किया जाता है और बयान होना भी चाहिए बहरहाल खुदब रसुलकरम के अंदर भी बात आई है कि हमें इस महीने में यह करना चाहिए यह करना चाहिए यह करना चाहिए ये करना कुरान करीम की तिलावत करनी चाहिए नमाजों की कसरत होनी चाहिए सलवाद की कसरत होनी चाहिए सिले रहमी होना चाहिए और रोज़ों के अंदर ऐसे रोज़े रखने चाहिए कि जिसपे सारे आजा जवारे का रोज़ा हो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है लेकिन क्या करना चाहिए उससे ज़्यादा हमें इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए कि क्या क्या नहीं करना चाहिए और यही वो नुक़ा है कि जिसकी तरफ उस वक्त पैगम्बर करने शाय फरमाया कि जब हज़रत अमीर उमन

हसन इस महीने का अफजल तरीन अमल यह है कि इंसान अपने आप को गुनाहों से बचा कर रखे गोया अगर हम उसी मिसाल को लेकर आए तो जितनी आलूदगियों से हम अपने आप को बचा लेंगे हम तो गए वहां पर साफ होने के लिए अगर हम बहुत ज्यादा साफ नहीं भी हो पाए तो भी उस जगह पर जाने के बाद जब हम बाहर निकलेंगे तो भी किसी ना किसी हद तक साफ होकर ही निकलेंगे अगर हमने अपने ऊपर आलोदगियां नहीं लगाई हुई लेकिन अगर आलूदिया गुनाहों की मौजूद है तो फिर इंसान धोता भी रहे अपने आप को साफ करता भी रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस पानी के आने का जिसके बाद बार बार आलूदा इंसान होता रहे तो इस महीने का अफ़ल तरीन अमल यह है कि इंसान अपने आप को गुनाहों से बचाए बहुत सारे क्राम के वाक़ हैं मुझे नहीं मालूम कि आपके पास गुंजाइश है कि आप तशरीफ़ रख सकें तो हम अर्ज़ करें वरना यहीं पर ही चूँकि पाँच बज गए हैं तो हम अपने क्लास को एंड कर दें सलवार तो ये डबल पॉलिसी वाली होती है जिससे हमें पता नहीं चल रहा कि हमें ख़त्म करनी है या जारी रखनी है। आ, बस एक आध हम बात को और अर्ज कर देते हैं एक बड़े आलिम दीन आयतुल्ल है कुम्मी। कुम से उनका ताल्लुक है वो बयान करते हैं कि एक मर्तबा ऐसा हुआ कि घर में मैंने तुंदी के साथ अपने बीवी बच्चों से बात की और तलख कलामी हो गई और बहुत मैं गुस्से में था उस वक्त और बहरहाल जो भी ज़बान पर था और जो भी मेरे मेरे जहन में गुस्सा था वो मैंने सब खाली किया तो कहते हैं कि इस गुस्सा निकालने की वजह से मुझे आला में माना में ये महसूस हुआ कि मेरे दो साल के ग्रियिए और दो साल की दुआएँ सब परवरदिगार ने जला दी और मुझे बीस साल पीछे बेच बीस साल की मैंने दो साल तो नहीं कहा उन्होंने 20 साल 20 साल की दुआएं और 20 साल का गिरिया और रियाजतें सब परवरदिगार ने जला दी क्यों क्योंकि ये गुनाह हो गया तो कभी कभार खुदा न खास इंसान इस खुशफहमी में ना रहे कि मैंने इतनी, इतनी इबादतें तो कर ली हैं थोड़े छोटे मोटे हो जाते हैं उसके बाद भी मैं तोबा कर लूँगा तो कंपनसेट हो जाएगा कंपनसेट बहुत सारी चीज़ों का नहीं हो पाता आसार वज़िया हमेशा बाकी रह जाते हैं हो सकता है कि इंसान आतिश जहनम से बच जाए लेकिन जो जन्नत के दर्जात उसके आगे बढ़ रहे थे उन दर्जात के अंदर बहुत कमी आ जाती है तो इस बात को बतौर इंसान तवज्जो से रखिए कि कुछ खुश अखलाकियां कुछ मिलनसारियां ये ऐसी होती हैं कि जो बहुत सारी इबादतों से अफजल होती हैं अगर इबादतों के सवाब की बारी, आ, बारी, बारी बात की जाए तो कितनी ही इबादतों का सवाब ऐसा रखा गया कि इसका शुमार कोई और कर ही नहीं सकता मिसाल के तौर पर मोहम्मद मोहम्मद पर जो दुरूद और सलाम है रवायत का जुमला यह है कि जो फरिश्ता बारिश के कतरों को गिन लेता है वो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर और सलाम के सवाब को नहीं गिन सकता मेरा बाइक ही शायद बंद कर दिया इलेक्ट्रिशन को भी पता चल गया तो तो फरिश्ता उसके सवाब को नहीं गिन सकता इस कदर सवाब बयान किया गया अगर इस कदर सवाब है और हम कसरत से शलवा पढ़ भी रहे हैं तो हमारे दर्जात हमें क्यों महसूस नहीं होता कि बुलंद हो रहे हैं मानवी दर्जा क्यों बुलंद नहीं हो रहे हैं? क्योंकि गोया ऐसे ही है कि जैसे मौलाना रूम ने भी इस मिसाल को बयान किया है कि एक शख्स ने चालीस साल तक गंदम जमा की जख़ीरा की लेकिन जब गंदम को इस्तादा करने के लिए उसने दरवाज़ा खोला तो गंदम का एक दाना मौजूद नहीं था चूँकि उस अंबार के अंदर एक सुराख था जहाँ से चूहा आता था और सारी गंदम लेकर जाता था तो इंसान उन आमाल को उस बोरी में ना रखे कि जिस बोरी में सुराख मौजूद है तो ये गुनाह सुराख सुराख करके हमारे सारे आमाल को ज़ाया करने के सब बनते हैं वरना बहुत सारे आमाल ऐसे हैं कि जिनका सवाब कोई नहीं ले सकता रिवायात के मुताबिक इसी तरह से नमाज जमात के अंदर अगर दस अफराद जमा हो जाए तो उसका सवाब इतना है कि फरिश्ते लिखने से कासिर इसी तरह से ज्यारत

हमें गुनाहों से बचने की भी तो़ीक अतः फरमा और इस माह मुबारक रमज़ान का बेहतरीन इस्तबाल करने, करने की तोफ़ी अतः फ़रमा और माह शाबान को भी बेहतरीन अंदाज़ में विदा करने की तोफ़ी फरमा और सीरत महमदाल महमद पर हमेशा अमल पैरा रहने की तोफ़ी अतः फ़रमा व आखरदावानादिल्लाबीन